तो नमस्कार प्रणाम, एक बार फिर से सब लोग के स्वागत हव। आई बात हम 6 महीना बाद बोली थी वह मगही आईपीएल अखाड़ा सीजन 2 में टू ना दू मगही आईपीएल अखाड़ा सीजन 2। आ देखा कैमरा एंगल आज खास रख ली वह एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा के। आ कल मैच हल वह शर्मा जी के दामाद शर्मा जी के बेटा में माने मुंबई या बेंगलोर में। आ मैच के परिणाम वही होल वह जो कल अनुमान लगावल गल वह। लेकिन एक बार फिर से आज विराट कोहली का कह अथी आठवां साल हो गया भैया जो बेंगलोर अभी ले न जीतल मुंबई न जीतल नौवां साल हो गया 2013 से लेकर 2021 तक। कल भैया कि पहला मैच मुंबई हारवे कर देने का फायदा बेंगलोर उठाए। हाँ जी, तू लोग में से कौन कौन सोचता है कि हार जाए मुंबई? मुंबई की बैटिंग 158 रन वाला मतलब है कि कल है मुंबई के पहला मैच है, मुंबई हार गेल माने मुंबई के चैंपियन बने के फिर द्वार खुल गए। सही बात सही था ना। अच्छा एक और बात बता, माने अजय रोहित शर्मा कोची कोची कल गलती हो अजय रोहित शर्मा आउट करवा दे रन आउट के वो पागल है। लेकिन लेकिन अच्छा आप रोहित शर्मा के कलम रिएक्शन देख के माने हमारा फीलिंग हो ना कि माने कप्तान के जितना जो गुण होए के चाहिए और जितना बर्दाश्त करे के क्षमता होए के चाहिए एज ए प्लेयर कैप्टन उस सब कले ओकर रिएक्शन से पता चलल। माने रन आउट होल ना पूरा रिएक्शन से ओकरा लगल कि गलती है अगला के गलती है लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज करल जाए एडजस्ट करल को। हां अंतिम तक भी जब मैच एक रन बन गेल हल तब ताली बजा के सारा टीम के रोहित शर्मा अपना खिलाड़ी के प्रोत्साहित करी था के हारल वो ना हार। देखा अगर वैसे पर्सनली अगर पूछल चाहब तो देखा जीत और हार हारने वाले टीम को हमेशा कमियां खोजना पड़ता है, जिम्मेवारी होता है। हाँ, एक लेकिन है। जीतने वाले को जितना भी गलती रहता है उसको माफ हो जाता है। हाँ, माफ हो जाता है। कल पहला रन आउट जैसे टर्निंग पॉइंट कल के मैच के शुरुआते में देखल मिल गया कि रन आउट आज जे स्ट्रेंथ माने जे मजबूती के साथ विगत 4-5 साल से मुंबई खेली थे वो वहीं से फ्लॉप हो गए। शुरुआत करन ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और कुरनाल, ये माने चारों जो मजबूत हल ना वो। अब अगर दूसरा मतलब टर्म जाए जाए माने पहले बैटिंग उसके बाद बॉलिंग पर जाए था ट्रेंट बोल्ट, माने कहीं से भी नजर ना आयलन कि माने ट्रेंट बोल्ट अपन गेंदबाजी के ट्रेंट बोल्ट तो लगन के पिटायल। हाँ माने वो माने एकदम लगी था ना कि बॉलिंग करी था ना तो अगला के हम रन देवे लगा। हम तो हम टिप्पणी के दोनों दोनों टीम के भैया कल बैटिंग बॉलिंग तो मान ली कि चलो पहला मैच चलो ज्यादा मायने न रखे अगला मैच तो तू बात कही फील्डिंग इतना गंदा था ना बेंगलोर भी ज्यादा कैच छोड़ला ना मुंबई भी ज्यादा कैच छोड़ला। तू तू अनुष्का के कोची हो? हाँ मैं मर्दाना हूँ ना। तब जब मौका मिले तब बोलिया हूँ ना। अब बताओ इन तो आजा रोहित शर्मा बता दल तू तू कोहली भैया के नाते बता हूँ कि चोटवा लगला वाला अपनी कैसा लगला वाला अंतिम ओवर ओवर में का तू फील करे जज्बा यही जज्बा है। चोट लगा फिर भी फील्ड पे रहा फील्डिंग किया ओपनिंग बैटिंग आके करके गया। लेकिन हमारा शुरू में लगला ना हमारा शुरू में लगला कि नौटंकी कहीं तो कैचवा छूट गया ना तो कोहली नौटंकी का कोई सब सर तो नहीं कर देते इतना बड़का फूल वाला नहीं भैया फूल गया। अच्छा अंतिम ओवर के बारे में कुछ बताओ दादा कुछ बोली चोट वाला का पर कोची बोली भैया हमरा बोले के मन है। देख कल भी हम जहां मैच देखी थली ना ऐसे तो देख आईपीएल में बैठा ही है तो कहीं ना कहीं कोई के सपोर्ट करे पड़ा है तो कोई के विरोध करे पड़ा है। लेकिन जखनी कल है कोहली के चोट लगल हमरा नजर आए एक चीज कि वो टेस्ट मैच के वर्ल्ड कप है अगर दो खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद हुआ है सबसे पहले मार्क बाउचर आंख में चोट लगा तो उसका कैरियर बर्बाद हो गया ठीक ना। तो हमको लग रहा था कि अगर वो चोट यहाँ के बजाय अगर यहाँ लग जाता तो हमारा वर्ल्ड कप जीतने का जो उम्मीद है वो धूमिल हो जाता। वहां पर सब लोग का एक बार लगा था कि हाँ धक दे हाँ क्योंकि अजय देखिए आईपीएल अलग बात है एज ए प्लेयर हाँ मुल्क के लिए सोचना पड़ता है तो टेस्ट का वर्ल्ड कप आ रहा है तो कहीं ना कहीं लेकिन
वो भाई जज्बा वाला प्लेयर है। हाँ, उसमें कुछ कर गुजरने का चाहत है। पांच मिनट के लिए भी फील्ड से बाहर नहीं गए ना, ना, बाद में जब मैच खत्म हुआ तब बर्फ वगैरह लेके आए थे। अच्छा, अंतिम ओवर में क्या आप सोच रहे थे बताइए? कौन किकर अंतिम ओवर में? बैंगलोर के अंतिम ओवर के मैच के टोटल मैच के अंतिम ओवर में टोटल टोटल मैच के जब डिविलियर्स हल तो डिविलियर्स हमारा तो लग लग मैच फिनिश करा, लेकिन डिविलियर्स भी मैच अपना पर ले लेल ठीक ना। डिविलियर्स दो रन लाया और उसे सिंगल या डबल न लेवे। डिविलियर्स वो खिलाड़ी ना है कि दो रन ला सिंगल या डबल लेवे वाला खिलाड़ी ठीक है। वो जाना है कि हमारा चोकर चोकर थी हम सब साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, लेकिन वो दो रन अपना पे मैच एकदम लिए हुए था कि मतलब कोई अब पीछे खिलाड़ी है नहीं, सब बढ़िया खिलाड़ी आउट हो गए। अब तो मेरे साथ है तो टैलेंटेड है तो अपना पर सिंगल लेके आउट हो गए, लेकिन रन यही ले मैच नजदीक लेवल जाए लियावल जाए कि एक रन दो रन चार रन भी रहे तो कोई भी मार सका है, बॉलर भी मार सका है। बढ़िया खिलाड़ी का यही मतलब है कि मैच क्लोज ले जाना है, थोड़ा बॉल खेले लेकिन रन कम रहेगा तो कोई मार सकता है। तो चीज अच्छा लगल देख के हमारा डिविलियर्स में अंतिम तक मैच लगल एक रन दो रन ला कोई मतलब मैच जीत गए। हालांकि मैच बढ़िया होगा अंतिम में। आज प्रशंसक तो रोहित शर्मा आ कोहली के पक्ष से बोलत हूँ, मन के बोलत हूँ, तू एज अ प्रशंसक तोरा सबसे बढ़िया पल उ मैच के सबसे बढ़िया पल? सबसे बढ़िया पल जब हर्षल पटेल लास्ट ओवर में जाके तीन विकेट ले वही मतलब मुंबई के वही ध्वंस कर देला। वो ओवर में कम से कम 10 रन मारा था पुलाट, कम से कम 170 के करीब अगर रन जाए थल तो मैच खत्म होलक है कि लास्ट में तो आर सी बी एकदम अथी हो गए। मतलब 10 रन रहते तो आर सी बी हार जाते वहाँ पे मैच, 10 रन और रहते तो सोचे पर हार जीत के तो तय हम लोग ना कर सके, लेकिन तभी भी लेकिन खिंचाया था चेपॉक में मैच था ना। हाँ, चेपॉक चेन्नई। हाँ, तो वहाँ पे औसतन स्कोर ही 170 है, तो 170 अगर मुंबई का स्कोर रहता तो रियल में था कि आरसीबी के लिए बहुत टफ सिचुएशन हो जाता। अच्छा चलो, तो कल के तो मैच के बात हो गई, बढ़िया खेलती है जज्बा भी कोहली भैया के बढ़िया दिखलाई, आँख में चोट लगला के बाद भी खेलती थी। आज के मैच के अब तो चर्चा हो जो बहुत लोग इंतजार करे थे, माने बेसब्री जो कहल जाए ना एकदम कीड़ा काटना जो रुआ खड़ा हो गल आशुतोष के नाम एकदम सुन थे। माने चेन्नई के लोग फैन है जी, खास करके धोनी के लोग फैन हाँ, तरह से चेन्नई के मत कहिए धोनी धोनी के हाँ, हाँ, लेकिन वो कहे के मतलब है ना कि दाल भात अगर मिल गए तब घी दाल में गिरे चाहे दाल घी में गिरे। अच्छा भैया चेन्नई के तू रहा पक्ष में आज? हाँ, तो अब ई में तो कोई संशय वाला बातें ना रहता माने जैसे 6 महीना बाद फिर से आईपीएल हुई थी ना तो पक्ष बदलबो तो करा है। देख भाई ओकरा लाए वो सिचुएशन है कि वो अभी इंटरनेशनल कोहली के खेली दे कि दे, अब हमारे साथ सिचुएशन है कि हमारा आईपीएल है। अब हो सके पिछला बारी तो हमने आपस में बतियाई थली कि लास्ट है लास्ट है लास्ट है, लेकिन अब लास्ट ना हो तब तो नया जोश के साथ नया उमंग के साथ तो। एक बार यहाँ जो वीडियो में देखे थे ना पाउज करके नीचे जा कमेंट बॉक्स में लगा दो धोनी धोनी ठीक ना ना ये कल है अगर हो इतना तो ज्यादा बढ़िया। आज हौसला तो अफजाई कर ना, हौसला अफजाई देखा अब सिचुएशन का है ना कि आज हौसला अफजाई दूसरे तरह से और कल हौसला अफजाई दूसरे तरह से। आज तो जैसे लगी था कि पहला उतरत बैटिंग करेला वो पल ही आज के लिए का खेलता ना खेलता हाँ, हाँ, मतलब हाँ, है हाँ, पिच पर वाला ना बैट लेके अब दर्शक तो है ना हाँ, हाँ, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है ना कि कर दे ना कि बैटिंग ना आवे हां ई तो रहे अब आप सिचुएशन चेन्नई मैच हारे चाहे जीते लोग के उम्मीद है कि बैट लेके आवे। उस वक्त हमरा हम एकदम दावा के साथ कहित नहीं कि हर एक व्यक्ति चाहे कोहली के फैन हो चाहे कोई के धोनी एक बार जरूर कहा था चाहे घर में काहे न रहे। का उम्मीद है आज के टोटल मैच के अगर चाचा के गुरु चेला में मैच है आज मैच मान खेले में वो भी हां पास्ट वर्सेस फ्यूचर फ्यूचर माने ये कहल जा है कि ऋषभ पंत में अब वो अब हिंदुस्तान के बैक क्रिकेटर जो पूर्व क्रिकेटर है तो बोलत या विदेशी बोलत कि माने हम ऋषभ पंत में धोनी के छवि कीपिंग वगैरह हां माने अभी तो कीपिंग में उनका बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। अभी नया नया लौंडा है तो चेला मतलब का हुआ है चेला मतलब जो सीखे थे। लेकिन अगर ई पर अगर हमरा से पूछल चाहबत तो अरे धोनी के चेला तो एक गो है जेकर कल रात मैच है रोहित शर्मा, काहे कि दोनों के आपस के जो प्रेम है ना वो देखेला बना है। जब रोहित बैटिंग करा है उस समय धोनी के एक्सप्रेशन आ जब धोनी बैटिंग करा है अब वो हमने बतावे की जरूरत ना है 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लोग देख के देखा बहुत बड़का जबड़ा फैन तू है चलते तू अपन कुछ टिप्पणी दे इनका अंतिम में देख तो भैया तो हाँ, तो मतलब रोमांचक हो सके कि एक तरफा मैच हो
रोमांचक है कि दोनों तरफ अभी दिल्ली भी जो टीम है बहुत बढ़िया रबी उतर है, संतुलित टीम है। बहुत संतुलित टीम दिल्ली इस बार है। सीजन एक में हम ये बात और आज दो प्लेयर नहीं खेलेगा उसका, रबाडा और एक और जो नौरखिया, दोनों नहीं खेलेगा, क्वारंटाइन है दोनों। ओक्स एगो है खिलाड़ी। तू का कहो मैच के बारे में पहले एक अनुमान बतावा कि मैच रोमांचक हो सका है या फिर मैच एक तरफा ना। मैच तो रोमांचक होता है, वानखेड़े में बैटिंग पिच हो ठीक ना, बहुत मतलब छोटा ग्राउंड भी होगा और बैटिंग बहुत लाल मिट्टी मानल जाए कि बहुत बैटिंग के पिच है वानखेड़े, इसलिए रन लगता है। दिल्ली में भी बैटिंग के मतलब दिक्कत ना है, दिल्ली में भी बैटिंग बढ़िया है। अब बॉलिंग में भले ओकर दो खिलाड़ी अभी क्वारंटाइन है जो दो मेन बॉलर है, तो चेन्नई से भी रन लगत। अब एक चीज पूछो भी है कि आज राइटू खेलते हैं कि रैना, आज के टीम में बता देते हैं जहां तक उथप्पा ओपनिंग करेंगे, उथप्पा आज के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के जहां तक हमरा लगा है। देखो धोनी हमेशा एक चीज बोलल है कि हमर जो टीम है औसतन उम्र अधिक है, तो मैंने विश्वास करे के भी हमरा पर है ना, कि औसतन आयु पर लगातार तीन गो 50 है और मैन ऑफ द मैच है। ये लेके हम पूछी थी अगर उथप्पा के साथ ऋतु का एकाल ओपनिंग करत तो फिर तो रैना रायडू में से एको के जगह, तो वैसे अगर सिचुएशन निकाल के चलबो ना, तभी धोनी के पास जो टीम मिलल है ना उमे इनका खुद सोचे पड़त कि हम केकरा खिलाएं, जगदीशन के भी बाहर ना कर सकत। हां के जगदीशन के बिना गायकवाड़ के भी बाहर न कर सकत, उथप्पा के भी बाहर न कर सकत, क्रिकबुज के भी मतलब एगो प्रेडिक्शन आई थे कि 11 में से या तो राइडू खेलता या तो रैना खेलता, दोनों में से एगो खेलता। अगर ऋतु गायकवाड़ ओपनिंग फिक्स कर ले कि ऋतु गायकवाड़ चाहे उथप्पा ओपनिंग करता या उथप्पा न खेलता फिर डुप्लेसिस ओपनिंग करता। जैसे हमारा तोर बात से एक चीज लगी थी, हम यहाँ माने रैना के बाद अगर हम देखल चाहम तो राइडू के देखल जाए, उथप्पा के जगह न बनो। हाँ, उथप्पा ऋतुराज में जो है ना वो एक आदमी खेल। चल अच्छा हो गए, तो अपना अपना प्रेडिक्शन हुआ है, अपना अपना उम्मीद रहे, तू भी कमेंट में बतावा। कमेंट में आज तू लोग जब वीडियो अपलोड हुई थे ई घड़ी से तू लोग कमेंट कर बताओ कि कल के जीतत, ये अपना प्रिडिक्ट करा, उनका नाम बतावल जाए, तब बहुत जल्दी जो प्राइज वाला सिस्टम है वो लावल जाए थे। स्पॉन्सर के तलाश है, हमने चाहे थे कि कोई बढ़िया स्पॉन्सर मिल जाए और ओकरे तरफ से तू लोग के इनाम देवल जाओ ठीक ना। कल कहते कि पिछला बार जैसे मुखिया जी के भोज भात के तरफ से तू लोग के मिलल रहा, तो इस बार भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्पॉन्सर लोग मिल जात। बाकी वीडियो को इसी प्यार बरसावित रह, शेयर करहू लोग, कमेंट करहू, लाइक तो करबे करा, बाकी चैनल के अगर सब्सक्राइब न सब्सक्राइब न कर रहा है तो सब्सक्राइब कर ला और बेल आइकन दबा दा। हाँ चलेगा आ गलो बहुत बहुत धन्यवाद।